Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Adnan Khan and you are watching Stronus Academy YouTube channel. Inshallah, आज की इस वीडियो में हम सेल फॉर्मेट के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आसानी से मिल सकें। तो सेल फॉर्मेट आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट जब ओपन करते हैं तो होम टैब के अंदर आप लोगों को ये ऑप्शंस मिल जाएंगे सेल्स के। ठीक है, सेल्स के ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है इंसर्ट, इंसर्ट सेल आप कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, कॉलम्स कर सकते हैं। किस तरह करनी है आपने, यहाँ जहाँ पर सेल्स यानी कि रो या कॉलम इंसर्ट करनी है वहाँ पर क्लिक करके आपने राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करना है तो आपके पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने जहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करनी हो तो ऊपर ये एड्रेस जो है वहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करनी है तो आपके पास जो है एक कॉलम जो है इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास मौजूद है डिलीट का ऑप्शन, तो अगर आपने किसी रो या कॉलम को डिलीट करना हो तो आपने सिंपली बिल्कुल उसी तरीके से ये एड्रेस बार पर उसी कॉलम को सेलेक्ट करके और डिलीट पर क्लिक करना है। और उसके बाद अगर आपने किसी रो को डिलीट करना हो तो उसी रो को इस तरह सेलेक्ट करके और यहाँ से आपने डिलीट कमांड को प्रेस कर देना है तो ये रो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल फॉर्मेट। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है सेल फॉर्मेट के लिए। ठीक है, तो किसी भी सेल को फॉर्मेट करने के लिए आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में होम टैब के अंदर यहाँ पर ये सेल फॉर्मेट है, आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं अपने सेल को। मतलब कि अब हमारे पास ये सेल्स जो हैं हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, इसकी हाइट जो है अभी 15 है, हम इसको 20 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका साइज जो है बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसकी जो विड्थ है तो इसकी विड्थ जो है कम कर देते हैं, इसको हम 10 करते हैं। अच्छा, ये तो ज़्यादा हो चुका है, 10 की बजाय हम 5 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वेट है वो कम हो चुकी है। इसी तरह अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो ये आप 10 कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ऑटोफिल कॉलम वेट जो है आप देख सकते हैं, और इस पर अगर आप क्लिक करें तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जितना आप डेटा एंटर करेंगे तो उसी हिसाब से ये विड्थ जो है ये ज़्यादा हो जाएगी। आप यहाँ से भी ये ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जितना डेटा आपके पास मौजूद हो सेल के अंदर तो उस हिसाब से ये फिट हो जाएगी। ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, ये इस कमांड के ज़रिए आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर डेटा कम करें, 45 करें, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम दोबारा इस कमांड को अप्लाई करते हैं तो ये फिर फिट हो चुका है। उसके बाद हम दोबारा इसकी जो वेट है इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है हाइट एंड अनहाइट, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। रिनेम शीट, आप शीट को रिनेम कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके और रिनेम बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने शीट को रिनेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से भी इसको रिनेम कर देते हैं। ठीक है, आप नेम चेंज कर सकते हैं अपने शीट के। उसके अलावा मूव और कॉपी शीट। ठीक है, आपने मूव या कॉपी करना है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल का जो शीट है
आपने क्या करना है, इसको मूव करना है या क्रिएट कॉपी कर देनी है। अगर आपने कॉपी कर देनी है तो यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि एमएस एक्सेल, ये दो शीट हमारे पास मौजूद हैं। हमें ये एक शीट को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आप दोबारा मूव और कॉपी शीट पर क्लिक करके इसको जो है आप यहाँ पर टिक ना लगाएं और ओके कर दें, तो आप इस तरह से ये मूव कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। ये आगे पीछे आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रोटेक्ट शीट हैं, तो हमें फाइनल वीडियोस में हम प्रोटेक्ट शीट को देखेंगे। और टेप कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कलर्स चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट सेल है हमारे पास, तो फॉर्मेट सेल के अंदर हम बिल्कुल ये वही फॉर्मेट सेल से जो हमने पिछली वीडियो में आप देख लिया, पढ़ चुका हो, अलाइनमेंट वगैरह के सारे ऑप्शन हमने पढ़ चुके हैं, हमने देख चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो अभी जाकर मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर एमएस एक्सेल का जो फुल कोर्स है अभी से देखना स्टार्ट करें, और हर एक वीडियो को स्टेप वाइज आप देख लें। तो पूरा कोर्स में अपलोड कर चुका हो और आप पूरा कोर्स देख लें और समझने की कोशिश करें। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके आप लोगों को रिप्लाई देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेल फॉर्मेट की जो ऑप्शंस है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।